हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज फ्लेवर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट में एकदम मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज मैंगो आइस टी। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून शुगर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। इसके बाद इसमें एक बॉईल आने देंगे। एक बॉईल आने के बाद गैस का फ्लेम एकदम ऑफ कर देना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, अब इसमें छान लेना है। अब इसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक बाहर ही रख देना है। इसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मैंगो पल्प लिया है, अब इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मैंगो पेस्ट जो हमने तैयार किया था। एक मैंगो का पल्प लिया था, उसको ग्राइंड करके हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। अब हमें इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास ले रही हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ आइस क्यूब। अगर आपके पास मिंट लीव है तो आप उसको भी ऐड कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। तैयार है हमारी मैंगो आइस टी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंगो आइस टी की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।